हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, नवीन सत्र में आप अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, तो कैसे आवेदन करें उस पर मैं कल वीडियो लेकर आया था। ये वीडियो आप ज़रूर देख लें। इसके कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आए हैं उनके मैं रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, इसलिए मैं उन सभी कमेंट को इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। साथ में दोस्तों, मेरे फेसबुक पेज @AtulKumarSharma09 पर जिन भाई बहनों ने मैसेज किए थे, काफ़ी मैसेज आए, उनकी भी मैं रिप्लाई दे रहा हूँ और बहुत जल्दी सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। तो चले पहले हम कमेंट बॉक्स देख लेते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स है दोस्तों, और जिन्हें लाइक मिले हैं वो कमेंट हमेशा ऊपर आ जाते हैं। तो देखें, 33 लाइक मिले हैं। तो इन्होंने कहा कि घर बैठे हैं जो कि क्वालिफाइड है, तो बिल्कुल ये अपने आप में सही है और सभी को ये बात सही भी लगी, इसलिए इतने लाइक्स मिले हैं। सेकंड पे ये हैं, इनको भी अच्छे खासे लाइक मिले हैं, 60 लाइक मिले हैं, क्योंकि सभी सहमत हैं जो भी कमेंट किया है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा। अब इसके आगे देखें, सर जी 2022-23 में भी अतिथि शिक्षक से ही काम चलेगा क्या? सेकंड सेकंड काउंसलिंग जरूर होगी, आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए और वही रूल्स हम उन्हें याद दिला रहे हैं। पद वृद्धि होनी चाहिए और सेकेंड काउंसलिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए, तो डेफिनेटली होगा। इसके अलावा, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन, गेस्ट में अप्लाई ना करें तो गवर्नमेंट रेगुलर पोस्ट एंड वैकेंसी निकाली। तो यहाँ भी हमें ये तर्क समझना होगा कि लोग गेस्ट टीचर क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं से तो अर्न करना ही है। या तो आप प्राइवेट वर्क करोगे तो उसमें भी अच्छी खासी मेहनत है, या फिर आप गेस्ट टीचर बनोगे जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उसमें भी मेहनत होती है दोस्तों। जब वैकेंसी नहीं आएंगे तो इंसान, जो कहते हैं ना कि भूखा इंसान है, तो उसे तो काम चाहिए, उसे खाना चाहिए, क्योंकि बातों से तो पेट भरता नहीं है। यदि आप अप्लाई नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो अपनी भूख को क्या जवाब दोगे? खाना तो डेली चाहिए ना, और परिवार तो डेली चलाना है ना। तो फिर वहाँ पर लोग जो हैं, जो भी सामने वैकेंसी दिख रही है, यानी गेस्ट टीचर है तो गेस्ट टीचर का ही भरते हैं। 2011 या 2013 के बाद अभी भर्ती हुई है, तो कितना बड़ा गैप है, आप स्वयं देखें। इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। यहाँ पर जो है ओम नमः शिवाय लिखा है, बहुत अच्छा, थैंक यू। और सर, वर्ग 3 में पोस्ट इंक्रीज में भी सपोर्ट करो। भाई काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया अभियान आप देख लें, काफ़ी चलाया गया है, ट्वीट और रीट्वीट किए गए हैं, और ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे चैनल्स वर्क कर रहे हैं जिनसे मैं जुड़ा रहा हूँ लगातार। बात करें वर्ग 1 और वर्ग 2, उनकी तो जो है मुहिम हम 2018-19 से लगातार चला ही रहे हैं। वर्ग 3 भी अब उसमें शामिल हो रहा है, तो उनके लिए भी ज़मीनी स्तर पर बहुत बड़ा जो है मुहिम लाने वाले हैं। तो आप सभी एक हो तभी ये मुहिम सफल होगी। हम सब एक हो जाए, हम चैनल्स एक हो जाएं, या हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि आप सभी एक हो। तो यदि सब एक हैं तभी ये जो है पोस्ट आपकी अच्छी खासी आएंगी, और हमें यकीन है कि अच्छी खासी पोस्ट आनी भी चाहिए। इसके बाद इन्होंने लिखा, थैंक यू सर इतनी जानकारी के लिए, वेबसाइट का नाम भी बता दीजिए जहाँ से डाउनलोड करना है। तो MP एजुकेशन पोर्टल में आपको निकाल कर ही बता देता हूँ। तो गूगल पे आप जैसे ही टाइप करेंगे MP एजुकेशन पोर्टल, तो जो सबसे ऊपर की वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर दें तो वहाँ से मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें, 30 नंबर दिया है, विषय अतिथि शिक्षक पोर्टल, नवीन पंजीयन, आधार, EKYC पूरा। तो ये वो आदेश है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे भी डाउनलोड, जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपके सामने ये पूरा आदेश ओपन हो जाएगा। तो ये 15 पेज का आदेश है, इसमें सब कुछ दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें मैं टाइप करता ना तो काफ़ी टाइम लगता मुझे, तो मैंने सोचा कि उस पर वीडियो ही बना दूँ। तो ये तो थैंक है, थैंक्स थैंक्स, हम अतिथियों को भी सरकार की तरह काम करना होगा। क्योंकि तो अब ये आप सभी एक हो सकती हो क्या, इसको लेकर पहले तो ये सोचना होगा, क्योंकि भूखा इंसान है तो वो पहले खाने की तरफ मुड़ेगा या फिर उसे छोड़कर वो अनशन पर बैठ जाएगा, क्योंकि भूख बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। यहाँ पर देखें सर, स्कोर कार्ड अनुभव में बोनस अंक जोड़े जाएंगे, बिल्कुल जोड़े जाएंगे, आपको जुड़वाना चाहिए, क्योंकि ये आपके काम का 25 14 कार्य दिवस, तो बिल्कुल आपको जोड़ने चाहिए। और फिर जो वेरीफाइड है वो संकुल प्राचार्य से आपको कराना चाहिए, तभी वो जुड़ेंगे। यदि आपने अपडेट कर दिया और वेरीफाइड नहीं कराया तो वो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 का मतलब, जो पहले अतिथि शिक्षक जैसे स्कूल में थे वही इस साल स्कूल में रहेंगे, यहाँ पद खाली है। पॉइंट नंबर 4 हम देख लेते हैं, तो ये आदेश है, इसमें पॉइंट नंबर 4 जो है वो ये है
रिट पिटीशन है, ये जो है आपका रिट पिटीशन नंबर दिया गया है, तो इसे हम खोल कर देख लेते हैं। तो ये हाई कोर्ट की ऑफिशियली वेबसाइट है और इस पर जजमेंट देख लेते हैं। तो ये जजमेंट है पूरा दोस्तों, और जिन्होंने भी लगाया था उसके संबंध में जजमेंट है, जो उन गेस्ट टीचर्स के नाम हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें लिखा तो ऐसा ही है कि कई जो वहाँ पर पढ़ाई करा रहे थे या कि जिनको अनुभव है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट, जो एक्ट बनाया गया है 2009 में एजुकेशन को लेकर, तो उसके तहत ये रिट दायर की गई है। तो ये जो है आपका काफ़ी बड़ा एक तरह से कहें जजमेंट है, तो मुझे पूरा ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि मैं ऊपरी तौर पर कहूँ तो जो मेरिट बनती है वो हर स्कूल की अलग अलग होती है, तो उस आधार पर जो है आप किसी को बाहर कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट के परसेंटेज जिनकी वजह से अच्छे आ रहे हैं भले ही, तो उन ऐसे गेस्ट टीचर को आप वहाँ से निकाल रहे हैं, तो उसके संबंध में ये पूरा जजमेंट है। मैं इसको पढ़ लूँगा तो उसके हिसाब से मैं आपको इससे अलग से ही वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए जो गेस्ट टीचर हैं वो नहीं रखे जाएंगे, बिल्कुल रखे जाएंगे, क्योंकि ये तो आपके आदेश में ही लिखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर नवीन पंजीयन, पूर्व पंजीकृत आवेदन में योग्यता में संशोधन तथा आधार ई केवाईसी संबंधी कार्य। तो जो अतिथि शिक्षक पोर्टल में नवीन पंजीयन है वो भी शुरू हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप यदि नवीन हैं जो कि आपने अभी तक पढ़ाए नहीं, तो आपको भी यहाँ पर जो है पंजीयन कराना चाहिए, और जो भी पास का संकुल है उससे वेरीफाइड कराना चाहिए, जिससे आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर नमस्कार, क्या अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी में सुधार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, एडिट आप कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल, लेकिन उसे वेरीफाइड कराना पड़ेगा संकुल पर जाकर, तभी वो एडिट माना जाएगा, नहीं तो वो नहीं माना जाएगा। तो वेरीफाइड जरूर करा लें। सर डीएलएड वाले बेस पर गेस्ट टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्राइमरी लेवल पे भी जो है गेस्ट टीचर रखे जाते हैं, और मिडिल लेवल पे भी रखे जाते हैं, जहाँ पर डीएलएड या जो 12वीं पास है उस हिसाब से। तो प्राइमरी लेवल की तो ये योग्यता आप मानकर ही चलें दोस्तों, ठीक है? तो बिल्कुल आप अपनी प्रोफाइल बना लें और जो भी पास के संकुल हैं उनसे वेरीफाइड करा दें। इसके बाद सर अतिथि के लिए आवेदन कब और कैसे शुरू होंगे? चॉइस फिलिंग की प्रोसेस कैसे रहेगी? तो इस संबंध में तो सबसे पहले जो है आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, और उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो संकुल प्राचार्य जो है उसे वो अपडेट करेंगे, यानी कि आपने जो भी उनके पोर्टल पे आ जाएगा जो भी आपने जानकारी भरी उसे सत्यापित करेंगे। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपके आसपास के जो भी स्कूल आप भरना चाहते हैं वो स्कोर कार्ड के आधार पर जो है उपलब्ध रहेंगे। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो है आपको प्रोफाइल बनवानी होगी, उसके बाद फिर स्कूल चॉइस फिलिंग बाद की चीज़ है। प्रोफाइल बनवाएं, पास के किसी भी संकुल में जाकर वेरीफाइड कराएं, उसके बाद की फिर आगे की प्रोसेस है चॉइस फिलिंग की, ठीक है? तो पहले इतना काम कर लें, क्योंकि इसमें जो डेट है वो कम बची हुई है। डेट भी आप देख लें, यहाँ पे 10/6/2022 तक है ना, समय सीमा का विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सर ओनली सर भी अप्लाई कर सकती हैं क्या? नहीं, इसमें आपको बीएड डीएड तो चाहिए चाहिए है ना। बिल्कुल बीएड है आपके पास, एमएससी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बीएड लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर वालों को शायद ना लें, क्योंकि कंप्लीट नहीं है ना, कंप्लीट चाहिए वहाँ पे। फिर भी आप एक बार देख लें, और जो भी संकुल प्राचार्य उनसे भी इस बारे में कंसल्ट कर दें कि हमारा लास्ट सेमेस्टर है कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको डिटेल्स दे देंगे, ठीक है? सर क्या आप स्कोर कार्ड भी बन जाएगा? बिल्कुल स्कोर कार्ड बन जाएगा, क्योंकि वो आपको जो है संकुल से वेरीफाइड कराना पड़ेगा, हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 मैं पूरा जजमेंट पढ़ लूँगा, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पर एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। सर क्या है प्राइमरी के लिए भी है? हाँ, प्राइमरी में भी गेस्ट टीचर रखे जाते हैं, तो बिल्कुल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अतिथि शिक्षक साथियों से निवेदन है कि कब तक अतिथि शिक्षक बनकर ही रहोगे? वही बात है कि वो अपना पेट कैसे भरें, चक्कर तो ये है ना कि काम क्या करें, या तो इनका अतिथि में नहीं होता, वो प्राइवेट काम करते हैं, और प्राइवेट में भी आप जानते हो कि कितना जो है काम लेते हैं, तो उस हिसाब से अतिथि बन जाए। मीन्स ऑप्शन होना इंसान के पास कि भैया हम इससे रुपए कमा लेंगे, इससे पैसे, इससे हमारा घर चल जाएगा, तो वो ये बात सोच सकता है। अब
सामने है कि रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्या। सर अब तो सब बोलते हैं कि घर का काम संभालो, पढ़ने अब कैसे क्या करेंगे, सभी बात घर वालों का बात। तो अब ये है, बिल्कुल सही सी बात है कि जब जॉब नहीं लग रही है तो घर वाले तो ताने देंगे ही, और इससे मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ कि बहुत से लोग किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। स्कोर कार्ड अपडेट कैसे होगा? स्कोर कार्ड पहले तो आप MP ऑनलाइन पर जा कियोस्क के पास जाएं, वो आपका स्कोर कार्ड में जो भी आपकी योग्यता संबंधी जो भी अपडेट कराना है वो करा लें, और फिर बाद में संकुल के पास जाकर वहाँ पर वेरीफाइड करा लें, जो प्रिंसिपल करेंगे उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा। सर न्यू अतिथि रखे जाएंगे? बिल्कुल रखे जाएंगे। सर जी जो पुरानी अतिथि हैं उन्हें भी करना है क्या? जी बिल्कुल, स्कोर कार्ड जरूर अपडेट करा लें, जैसे आपका अनुभव है उसे जुड़वा लें, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। प्राइमरी में कितना पेमेंट कितना मिलता है इसमें? तो पेमेंट का भी मैं देख कर ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने कभी गेस्ट टीचर तो किया नहीं है, तो पेमेंट मैं आपको किसी आदेश के हवाले से बता दूंगा। ठीक है, इसका मतलब सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी क्या? बिल्कुल सेकंड काउंसलिंग होगी, है ना। एक्सपीरियंस कैसे ऐड करें? एक्सपीरियंस आप MP ऑनलाइन या कियोस्क के पास जाकर ऐड करा सकते हैं, और फिर जो है आपको क्या करना होगा, वेरीफाइड कराना पड़ेगा संकुल पर जाकर, है ना। MEd और गेस्ट फैकल्टी में जॉब दोनों एक ही साथ वैलिड हो सकते हैं क्या? MEd यदि आपका उस कहीं दूर से है, यानी कि मान लो कि कोई सीपरी में जो है अतिथि का काम कर रहा है किसी गांव में, और भोपाल में रेगुलर जाकर जो है MEd कर रहा है, तो वहां पर दिक्कत दे सकती है। वैसे आप उसी संकुल में हैं तो फिर कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं। सर जी यदि किसी में गेस्ट टीचर में काम किया और बीच में स्कूल जाना बंद कर दिया, तो उसका काम और क्या कारण है कि इसकी जानकारी दीजिए। यदि बीच में आपने गेस्ट टीचर का छोड़ दिया है, तो जितने भी अनुभव है वो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लें, उस आधार पर अपना अनुभव जुड़वाने, और फिर दोबारा से आवेदन कर दें, और KYC बिल्कुल करा लें आप, क्योंकि जो आप आवेदन करेंगे उस हिसाब से जो बीच में गैप है, जितने भी दिन आप जोड़ सकें उसमें अनुभव के जोड़ दें, और जो अपडेट करा के संकुल प्राचार्य के पास चले जाएँ तो वो कर देंगे। ठीक है, सैलरी कितनी रहती है तो वो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा देख के। सर जिनके पास DEd BEd नहीं है, क्या वो भी आवेदन कर सकते हैं? मुश्किल है, उनका DEd BEd यहाँ पर कंपलसरी कर दिया है, फिर भी आप संकुल प्राचार्य से इससे पूछ लें तो डेफिनेटली वो आपको इस बारे में बता देंगे। ज़्यादातर तो DEd BEd कंपलसरी सा हो गया, KYC होने के बाद भी वेरिफिकेशन कराना है डॉक्यूमेंट, उसके बाद स्कोर कार्ड निकलेगा ना। हाँ बिल्कुल, EKYC कराने के बाद ही आपको वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद ही स्कोर कार्ड निकलेगा, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना, जो भी आपने अपलोड किया है, जो भी अपडेट दिया है, वो सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने हैं, उसकी फोटोकॉपी भी ले जानी है। रतलाम में कौन सा स्कूल है? जो भी संकुल पड़ता है वहाँ पर आपको करना है, जो भी आपका पास का संकुल हो रतलाम में, वहाँ पर जाकर करा सकते हैं। तो संकुल की जानकारी भी आपको एजुकेशन पोर्टल से मिल जाएगी। सर रनिंग वाले कर सकते हैं? तो रनिंग वालों का थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी आप जो इस संकुल में आते हैं वहाँ पर पूछ लें इस बारे में, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। सर कौन से स्कूल के लिए है? CM राइज भी? हाँ CM राइज में भी रखे जाएंगे, यदि वहाँ पर वैकेंसी जो है उस हिसाब से फिलअप नहीं हुई है, तो CM राइज में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वर्ग 3 का रिजल्ट कब आएगा? वर्ग 3 का रिजल्ट अब जुलाई में ही आएगा, क्योंकि आचार संहिता लागू है। सर अतिथि शिक्षकों के फॉर्म कब से भरे जाएंगे? आवेदन होना शुरू हो गया है, आप जो है प्रोफाइल बना लें, अपडेट करा लें, उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग होगी होगी, है ना। सर MPTET वर्ग 3 का रिजल्ट जुलाई में आएगा। सर फ़ोन नंबर का मैं बाद में बता दूंगा। सर न्यू लोग आवेदन कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सैलरी के बारे में भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड बन रहा है क्या? सर बिल्कुल बन रहा है, आप जरूर बनवाएं। और सैलरी का फिर से आ गया, हमें नियुक्ति चाहिए, अतिथि शिक्षक नहीं बन रहा, तो नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सर CM राज स्कूल में भी अतिथि शिक्षक बिल्कुल रखे जाएंगे। भर्ती कब होगी? भर्ती के लिए तो प्रयास जारी है। सर मोबाइल नंबर चेंज कराना है, वो भी आपका जो है संकुल से मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर रनिंग है, रनिंग वाले ना करें, ये एक चीज़ पर ही फोकस कर लें। यदि आप संकुल प्राचार्य से पूछ लें, क्योंकि फिर डबल हो जाएगा, एक जगह आप उपस्थित हो, एक जगह एक ही संकुल से, तो ये भी मान हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस बार मान किया गया था। सर एडिट कैसे कर सकते हैं? वो आपको ऑनलाइन जाकर एडिट करना होगा, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन के लिए यानी कि संकुल प्राचार्य से उसे वेरीफाइड कराना पड़ेगा,
तो वहाँ जाकर जो भी जिस संकुल में भी आप आते हैं, डीएलएड सेकेंड ईयर वाले कर सकते हैं। रनिंग वालों को पूछना पड़ेगा, है ना। पॉइंट नंबर 4 में आपको बता दूँगी स्कूल में कब तक गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो डेट दी गई है वो 10/6/2022 तक ये आपको काम करना है। अतिथि शिक्षक के लिए पोर्टल पर पंजीयन कराना है और आवेदन योग्यता के संशोधन तथा EKYC कराना है। उसके बाद फिर जो है आपको संकुल पर जाकर वेरीफाइड कराना है अपने डॉक्यूमेंट। लिंक एजुकेशन पोर्टल पर जाकर आपको ये मिल जाएगा। मैंने अभी इसका भी जवाब दे दिया, तो बाकी के अदर स्टेट वाले बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट गेस्ट टीचर का काम कर रहे हैं। अभी नहीं होगी, जो पुराने हैं उनको ही करना पड़ेगा। पुराने जो हैं अपना अपडेट तो कम से कम करा ही लें, है ना। सर आज भोपाल आंदोलन पर करीबन 2-3 वीडियो, तो मैं आज सुबह ही एक वीडियो लाया था, 2 कल ले आया था, तो ऐसा है ना। सर हम ऐप भी नहीं चलाते, तो फेसबुक चलाओ यार, आप सोशल मीडिया का ज़माना, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक पर नहीं है तो कैसे चलेगा। सर बीएड और एमएससी फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भर्ती पद वृद्धि खाली, तो अतिथि शिक्षक आप बुल रख रहे हैं, वो कई बार मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। मेरी अतिथि फॉरम मोबाइल नंबर से भरा गया था तो बंद हो गया, तो दूसरा बदल दें, संकुल से बदला हो जाएगा। पहले गेस्ट टीचरों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं, उन्हें दोबारा से कराना नहीं, यदि योग्यता में कोई परिवर्तन किया गया है तो कराना है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका स्कोर कार्ड जरूर अपडेट करा लें, अनुभव जुड़वा लें। अब तक अतिथि फॉरम भर भर कर थक चुके हैं, तो परमानेंट के लिए तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना। और अधिकांशतः रिपीट क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों, जो मैं दे चुका हूँ। न्यू वालों को EKYC कब तक करानी होगी, 10 तारीख तक करानी है, तो 10 से करा। पुराने अतिथि स्क्रीन में रहेंगे जी हाँ, वो मैं जजमेंट पढ़ लूँगा तो उसके बाद मैं आपको बता दूँगा। क्वालिफिकेशन टीचर क्यों लेती है, क्वालिफाइड टीचर्स को क्यों लेती है गवर्नमेंट, गेस्ट टीचर्स रखने का टाइम है, तो अब ये है। और तो भाई रिपीट हुए हैं कुछ क्वेश्चन दोस्तों, और मुझे नया क्वेश्चन लगेगा तो डेफिनेटली मैं उस पर एक अलग से ही वीडियो ले आऊँगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी क्वेश्चनों के मैंने आंसर दिए हैं वो अब रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। और भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं डेफिनेटली उसे ही लेकर, और इसमें भी कुछ कमेंट छूट गए हो तो उन्हें लेकर अगला वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।